नमस्कार, सत्यमेव न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकित माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सुमेरपुर में बाइक चालक ने पैदल यात्री को लिया चपेट में, घायलों का इलाज है जारी। जोधपुर के आऊ में गड्ढे, लोगों के लिए बना मुसीबत का सबक। शिकायत के बाद भी संबंधित अधिकारी नहीं दे रहे कोई ध्यान। सुमेरपुर के आल्पा में सरपंच और सचिव पर ग्रामीणों ने लगाया धोखाधड़ी का आरोप। ग्रामीणों ने विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच करने की लगाई गुहार। और झालावाड़ के डग में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने कस्बे में निकाला फ्लैग मार्च। गृह मंत्रालय और जिला मुख्यालय पुलिस अधीक्षक के आदेश पर निकला फ्लैग मार्च। और खबरें विस्तार से। भरतपुर में अरावली पहाड़ियों के बीच गांव जहाज में कातिर देव भगवान का लखी मेला विधिवत रूप से डांग विकास बोर्ड के अध्यक्ष जवाहर सिंह भेड़म ने शुरू किया। भेड़म ने सर्वप्रथम कोसिस देव भगवान के मंदिर पर पूजा अर्चना मंत्रोच्चारण के बीच फीता काटकर उद्घाटन किया। तदुपरांत बड़े गांव जहाज में स्थित देव भाबा की जन्म मंडिया पर विधिवत पूजा अर्चना की। बेढम ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेले सामाजिक भाईचारा बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी है। मेलों से हमारी संस्कृति की पहचान होती है। भिंडर में निकटवर्ती कड़ेचा गांव में मंगलवार से 4 दिवसीय 62वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता शुरू हुई। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि वल्लभ नगर विधायक रणधीर सिंह भिंडर से अध्यक्षता बीईओ फूलचंद मीणा ने की। आयोजक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कड़ेचा के प्रधानाचार्य दलपत सिंह शक्तावत ने बताया कि 4 दिवसीय 62वीं खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 6 से 14 वर्ष के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में भिंडर ब्लॉक से खो खो के 14, कबड्डी में 33, वॉलीबॉल में 17 टीमों सहित 770 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। झालावाड़ के डग में गंगधार व्रत के डग चौमहल्ला सहित अन्य कस्बों में गृह मंत्रालय और जिला पुलिस अधीक्षक के आदेश पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम ने कस्बे में फ्लैग मार्च निकाला। भविष्य में प्राकृतिक आपदा और सांप्रतिक दंगे सहित अन्य घटनाओं से निपटने के लिए रहती है। इस दौरान सहायक कमांडेंट सुनील खींची, थानाधिकारी लव कुमार तिवाड़ी सहित सभी जवान मौजूद रहे। सरमथरा में रह रही पंचायत के राजकीय विद्यालय सवाराम के पूरा में कांक्रेट गांव के लोगों ने विकास समिति का गठन किया गया और कांक्रेट गांव की सर्व समाज की मीटिंग में बेहद पेचीदे और लंबित मामलों का निराकरण किया गया। वर्तमान माध्यमिक विद्यालय के प्रांगण में कुछ भूमि 15 साल पहले धर्म सिंह अध्यापक से ली गई, लेकिन किन्हीं कारणों से उनके लेन देन का मामला अटका हुआ था। समस्या ज्यादा गंभीर नहीं थी। आज उसका सभी ग्रामवासियों ने सर्व समाज की मीटिंग बुलाकर धर्म सिंह अध्यापक को 71,000 की नकदी देकर निपटारा कर दिया, जिससे धर्म सिंह अध्यापक और उसका समस्त परिवार पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया। बाड़मेर के बालोतरा में कारुड़ी गांव में दलितों ने 70 घरों को स्वर्ण समाज राजपुरोहितों द्वारा बहिष्कार प्रकरण को लेकर बालोतरा में कल दलित समाज के लोगों द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। इस प्रकरण के दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। बड़ी संख्या में रैली से पहुंचे दलितों के ज्ञापन देने के बाद खंड अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने जल्द दोषियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। कैसा है मेरा विधायक, क्या क्या विकास कार्य हुए, यानी अपने विधायक की कहानी
उन्हीं की जुबान। मिलिए अपने विधायक से, जानिए उनकी कार्यशील कहानी। हमारे नए कार्यक्रम जिसका नाम है मेरा विधायक। हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं अपने विधायक। अपने विधायक से जुड़ने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर। जनता के क्या है विचार। अब राजस्थान की हर खबर पर रखिए ध्यान। राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। क्यों मचा है सियासत में घमासान। पूरे दिन राजस्थान के हर क्षेत्र पर पहनी नजर। राजस्थान हलचल में सिर्फ सत्यमेव न्यूज चैनल पर। जोधपुर के आऊ में भोजासर चिमाना कस्बे में होकर गुजरने वाले वाहनों के लिए सड़क पर बने गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। शिकायत के बाद भी अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। विभाग के लापरवाही के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। इन गड्ढों के कारण आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है, क्योंकि बरसात के समय रास्तों में पानी भर जाता है और गड्ढों का पता नहीं चलता। बाइक और बड़े छोटे वाहन इन गड्ढों में आकर गिर जाते हैं और हादसा हो जाता है। इस बीच वाहन निकलते तक रोड तक लंबा जाम लगा रहता है। पोखरण से रहे कांग्रेस के पूर्व विधायक साले मोहम्मद ने नहरी क्षेत्र में हुए घोटाले को लेकर पोखरण के विधायक शैतान सिंह राठौड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए नाचना नहरी क्षेत्र में हुए जमीन आवंटन घोटाले में प्रति बीघा 20,000 रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है। नाचना में हुई कांग्रेस की बैठक में पूर्व विधायक साले मोहम्मद ने खुलेआम राजमथाई सरपंच मदन सिंह राठौड़ पर भी भ्रष्टाचार को लेकर 55 लाख रुपए नाचना से लेकर भाग जाने जैसा गंभीर आरोप लगाया है, जिसको लेकर राजमथाई सरपंच और फलकुंड मंडल भाजपा के महामंत्री मदन सिंह राठौड़ ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खंडित करते हुए पत्रकार से वार्ता की गई, जिसमें मदन सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक साले मोहम्मद ने जो उनको 55 लाख रुपए नाचना से लेकर भाग जाने जैसे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। साले मोहम्मद को कहना चाहता हूं कि अगर मैंने 55 लाख रुपए लिए हैं तो उनका मुझे ठोस सबूत दे और मुझ पर कानूनी कार्रवाई करें। सबूत सही हुआ तो भाजपा के महामंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, अन्यथा गंभीर जो आरोप लगाया है राजनीतिक छवि को खराब करने को लेकर बिना सबूत के आरोप लगाए गए उसको लेकर न्यायालय के शरण में जाएंगे और पूर्व विधायक साले मोहम्मद पर मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाकर न्याय की मांग जरूर करेंगे। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के समवर्ती गांव बणोरी में एक युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर दिया। हत्या का मुकदमा दर्ज करने पर अड़े रहे लोग। पुलिस ने काफी समझाइश की मगर ग्रामीण हत्या के मुकदमे में अड़े रहे पर लोग नारेबाजी करने लगे, जिसको लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया। सुमेरपुर के आलवा में शिवगंज उपखंड के आलपा ग्राम पंचायत में सरपंच और सचिव द्वारा अपनी मनमर्जी से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में से नाम काटने को लेकर ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए विरोध प्रकट किया। विकास अधिकारी को ज्ञापन देकर जांच कराने की गुहार लगाई। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले को लेकर ग्रामवासियों ने मंगलवार सवेरे ग्राम पंचायत के बाहर धरना प्रदर्शन कर ग्राम पंचायत के खिलाफ विरोध प्रकट कर सरपंच और ग्रुप सचिव के खिलाफ नारेबाजी की।
खरगापुर टीकमगढ़ में अग्रवाल मैरिज गार्डन में मानव उत्थान समिति द्वारा चल रहे दो दिवसीय सत्संग समारोह के दूसरे दिन हजारों श्रद्धालुओं ने कथा का भ्रमण किया। वहीं कथा में उन्होंने कहा कि राम कथा घर परिवार को संस्कारित करने, अध्यात्म और संसार को साथ लेकर चलना सिखाती है। शरीर संसार से मिलता है, संगीतमय भजनों से झूमे श्रद्धालु। कार्यक्रम के दौरान बीच बीच में संगीतमय भजन की प्रस्तुतियां दी गई। इन भजनों को सुनकर उपस्थित सैकड़ों महिला पुरुष श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। कथा श्रवण के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। पाली के सिरियारी में मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में मुख्यमंत्री राजे की आउआ गांव में प्रस्तावित यात्रा के लिए पाली पुलिस अधीक्षक मारवाड़ जंक्शन पहुंचे। आउआ गांव के पैनोरमा और हेलीपैड का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गहनता से जांच की गई। पाली के सिरियारी क्षेत्र के गोपारी, रणवास, फुलाद, जोजावर, धनला में मूसलाधार वर्षा से ग्रामीणों में छाई खुशी की लहर। करीब 12 दिनों से वर्षा नहीं होने के कारण किसानों और ग्रामीणों में मायूसी की लहर थी। इंद्रदेव ने बर्फ के फसलों को जीवनदान दिया है। लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। रिमझिम बारिश का दौर जारी है। सुमेरपुर में सांडेराव थाने से कुछ दूर पर फोर लेन हाईवे पर पैदल जा रहे बाबा रामदेवरा जाड़तुओं के दल को पीछे से आ रही बाइक चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर में 10 वर्ष के मासूम बाबा के जातरू सहित बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना की मिलने पर सांडेराव पुलिस मौके पर पहुंचे और घायलों को सांडेराव सामुदायिक चिकित्सालय लाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पाली रेफर कर दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए सिर्फ सत्य न्यूज़।